वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए पिट स्टॉप, यहाँ पे गो कार्टिंग, गेमिंग और फूड कोर्ट है। ये अपने नेकलेस रोड पे ही है, फिर भी मैं लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रही, एक बार चेक कर लो। और इनके इंस्टा का हैंडल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वो भी एक बार चेक कर लो। कई को बोले तो नए ऑफर्स और अपडेट सबसे पहले अपने को उधर ही मालूम हो जाते। इसका टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है भाई, और इतने सारे गेम्स है इसमें, दिन पूरा रहे तो भी बस नहीं होता और बोर तो असल नहीं होते भाई। एक से एक अनोखे गेम्स है। इसके अंदर के पूरे गेम्स अपन देखेंगे, आप पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्या क्या है सब मालूम हो जाता आप लोगों को। ये है सेगवे टू व्हील्ड सेल्फ बैलेंसिंग पर्सनल ट्रांसपोर्टर। ये बैटरी से चलता और इसका मैक्सिमम स्पीड 30 से 40 रहता भाई। ऑफ रोड व्हीकल है ये, गलियों में चलाएंगे बोले तो नहीं चला सकते, कई को बोले तो अपने गड़े गुंतों में चलाए बोले तो मुंह के बल गिर जाते। और रोडों के ऊपर तो स्पीड ब्रेकर ना रहते, उधर तो चलती नहीं, खाली ऐसे खुले मैदानों में चला लेके एंजॉय कर ले सकते। पूरा सेल्फ बैलेंसिंग है भाई, अपना बॉडी वेट किधर डाल रहे वो हिसाब से लेफ्ट राइट सामने रोकना सब पूरा अपने बैलेंसिंग पे है ये। 200 रुपए को 2 राउंड देते भाई। जिसको नया नया चीजा ट्राई करने की शौक रहती वो तो ट्राई करने की छे भाई, बहुत मजा आती। थोड़ा प्रैक्टिस रहे तो मस्त चला सकते, ऐसा लाइट छोटे छोटे पिसल बंडों पे चला ले सकते, वैसे तो रोडों पे गिना किधर भी नहीं चला सकते भाई। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, फुल मजा आती है। गाड़ी के स्टैंड के सर का इसको भी स्टैंड डाल के लगाए तो टिक जाती भाई। ये हैंड बैलेंसिंग गेम है, टच करे तो साउंड आता, सो बिना टच करे ये कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक लग गए तो टेडी बियर गिफ्ट देते भाई। ये अपन मिस्टर बीन में भी देखे और बहुत सारे मूवीज में भी देखे। आपको भी लगता है कि आपका बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, अच्छे से कर सकते बोल तो ये ट्राई करना भाई। किसको मालूम पूरा कर लिए बाद में आपको टेडी बियर भी मिल जा सकता आराम से। ये एटीवी बाइक है, अपने को ज्यादातर बीचेस पे दिखता, मुंबई के बीच पे भी है और किधर तो भी है तो कमेंट में डाल के बोलो। हैदराबाद में तो अपने पिट स्टॉप में है भाई, ट्राई कर ले सकते आप लोग। एटीवी का फुल फॉर्म है ऑल टेरेन व्हीकल, इसको लाइट यूटिलिटी व्हीकल भी बोलते। ये भी एक ऑफ रोड व्हीकल है, अपने रोडों पे नहीं लेके आ सकते भाई। देखो इसके टायर्स कितने मोटे मोटे हैं, अपने स्पीड ब्रेकर्स पे नहीं चला सकते। और इधर चलाने के लिए 500 रुपए के 4 राउंड है भाई। ये फोर व्हीलर रहने की वजह से अपने को बैलेंसिंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। और रेस करने के लिए हैंडल के पास में एक प्लग के जैसा है, उसको कितना प्रेस करे तो उतना आगे बढ़ता। और स्टीयरिंग नहीं देके बाइक के हैंडल के जैसा दिए, लेकिन वो थोड़ा टाइट रहता, देख के चलाना, जाके कारों को गिना ठोक दिए बोलते हैं इन लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है बोल के पहले ही बोल दिए। आप लोगों को भी अलग अलग वैरायटी के बाइक्स चलाने का शौक है तो इधर आके ट्राई करो भाई, फुल मजा आती, पैसा वसूल है। और अंदर बहुत सारे गेम्स है, अपन पूरे देखेंगे अंदर जाके क्या क्या है क्या नहीं है। पूरे गेम्स में काउंटर के पास में पे करके अंदर आके ट्राई करने का है। और बाहर ही पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए है इसलिए पूरा फॉलो करो। और ये है 360 डिग्री साइकिलिंग, अपन स्ट्रेट रोड के ऊपर ही साइकिल चलाए होंगे, इसमें गोल फिराने का है साइकिल। सेफ्टी गियर भी अच्छा है भाई, कांको वहाँ टाइट बंदे के रख दिए सो है। खाली अपन सर्कसों में ही देखते थे ये सब, इधर आए तो अपन ट्राई भी कर सकते, क्या भी नहीं खाली पैंडल स्पीड मारना भाई, अपने आप आगे चले आते रहता। ये पूरे गेम्स खाने से पहले ही करना भाई, खाए बाद में करे बोले तो खाए सो पूरा रिवर्स आ जाता। इसका प्राइस है 200 में अनलिमिटेड, इतनी देर बोले तो उतनी देर कर सकते, अपन थक के चक्कर आए तलक कर सकते भाई, रोकने वाले ही नहीं रहते कौन भी। आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट में डालो, और आप लोग भी इधर आके ट्राई करो भाई, ट्राई करे सो है तो भी कमेंट में डालो आप लोगों को कैसा दिखा। एक बार प्राइसेस देख लो, आप लोगों को आइडिया आ जाता और क्या क्या गेम्स भी मालूम पड़ जाता। ये टायर क्लाइंबिंग 50 रुपीज का है, आप लोगों को पूरा हार्नेस वगैरह पिना के भेजते, ट्राई करने वाले एक बार ट्राई कर सकते भाई। और इधर से ऊपर चढ़ के जाने का है जिपलाइन और स्काई साइकिलिंग के लिए। इधर की अच्छी बात क्या दिखी बोले तो मेरे को, सेफ्टी का बहुत ध्यान दे रहे और यहाँ के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। आज के अपने स्टंटमैन है मिस्टर फराज, उन्होंने पूरे एक्टिविटीज करके बता रहे अपने को वीडियो में। जिसको भी एडवेंचर्स करना पसंद है उनके बकेट लिस्ट में जिपलाइन तो जरूर रहता भाई। और मोस्टली जिपलाइन वाटरफॉल्स के पास में या माउंटेन्स के पास में रहते। हैदराबाद में सिटी के अंदर आपको जिपलाइन एक्सपीरियंस करना है तो ये प्लेस बहुत सही है भाई, पिट स्टॉप नेकलेस रोड पे। आप इधर आओ, पूरे एडवेंचर्स का मजा ले सकते आप लोग। अभी अपन फराज को ही जाते हुए देखे, अभी जाते रहे तो उसका व्यू कैसा रहता मैं करके पूरा कैमरे में रिकॉर्ड करी, आप लोग देखो इधर से व्यू कैसा दिखता, बहुत मजा आती भाई, अपन एकदम आसमान में उड़ रहे बोले जैसा दिखता। शुरू में थोड़ा थोड़ा डर लगा लेकिन जाते जाते एकदम बहुत मजा आई, झाड़ों को गिना पैरा लग के थोड़ा डर लगता, आया है कि इधर तो भी टक्कर गिना मार लेते क्या बोले जैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता,
बहुत सेफ रहते अपन एक एंड से दूसरे एंड पे जाने का रहता और दूसरे एंड पे लोग अपने को रिसीव करने के लिए रेडी रहते। और एक बात है भाई, इन्हों बोले जैसा सुनना, पैरा ऊपर रखो बोले तो ऊपर रखना, नहीं तो मारा मारा लग गए तो अपने कुछ लगते। और ये स्काई साइकिलिंग एक और एक फ्लोर ऊपर से ही रहता, इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा ही रहती। अपन तो चला लेते हुए वीडियो नहीं ले सके, इसीलिए अपने स्टंटमैन को कैमरा दे दिए, उन्हें चला लेते हुए वीडियो भी बनाए। ये देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वाले सब्सक्राइब कर लो, और जो भी सब्सक्राइब करे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग मेरे कंटेंट को ऐसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप लोग भी चाह रहे कि मैं दूसरे दूसरे प्लेसेस रिव्यू करूं बोले तो कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट को 110% रिप्लाई करती। ये करने का निंजा टेक्निक क्या है बोले तो पैंडल स्पीड मारना भाई, जरा भी स्लो हो गए बोले तो बीच में अटक जाते, फिर रस्सी डाल के खींचना पड़ता। ये मेरे साथ ही हुआ, आप लोग ये गलती नको करो। और हवा में बीच में अटक गए सो हाइबत ही चलग रही थी भाई, इन लोग पूरी सेफ्टी चेक करके और इंस्ट्रक्शंस बोल के ही छोड़ते भाई, इसीलिए बच्चे बच्चे भी कर सकते आराम से, टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। जिपलाइन का कॉस्ट 250 है और स्काई साइकिलिंग का 300 है भाई, पैसा वसूल, एक बार तो ट्राई करना है ये। जिपलाइन में तो अभी नीचे का बॉलिंग का अरेना वगैरह देख लेते हुए व्यूज वगैरह एंजॉय कर सकते भाई, स्काई साइकिलिंग में तो हाइबत हो जाती, जरा भी स्लो हुआ बोले तो कार साइकिल बीच में रुक जाती की बोले जैसा। आप लोगों को ये कैसा दिखा कमेंट में बोलो, और आप लोग ये ट्राई नहीं करे तो एक बार इधर आके ट्राई करो भाई, फुल मजा आती, इधर से पूरा टैंकबंड का नजारा दिखता। अभी ये है मेरा सबसे फेवरेट गो कार्टिंग, 500 में 7 लैप्स है कहते भाई इधर के, और इधर का एरेना भी बहुत बड़ा है, 7 लैप करे तलाक अपना दिल भी भर जाता और अपन बस बस हो जाते। उधर जो आदमी खड़े हुआ है बुक ले लेके, उन्होंने लैप्स काउंट कर रहा, गच्चुप वाला गच्चुप डालते टाइम पे कितना ध्यान से देखता, उतना ही ध्यान से इन्होंने लैप्स काउंट करते भाई। सो उन्होंने नहीं देख रहा और एक लैप मार लेंगे बोले तो नहीं चलता, पकड़ लेते वहाँ पे। अभी तक मैं गो कार्टिंग का सिंगल सीटर का ही देखी भाई, इधर डबल सीटर का भी है, एक जने चला सकते और एक जने बाजू में बैठ सकते, तो जिन्हें नहीं चला सकते उन्हें भी एंजॉय कर सकते इसमें, ये बहुत अच्छा दिखा मेरे को। कई को बोले तो मैं भी बाजू बैठ के पूरा वीडियो बनाई, ये चलाते टाइम पे अपने को कैसा दिखता कैसा फील होता बोलते सो, आप लोग भी ये एंजॉय करो। इसमें भी पूरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना पड़ता भाई, बच्चियां खुले बालों पे जाना सख्त मना है, शवर कैप देते वो लगा लेके हेलमेट पहन लेना, कई को बोले तो बाल अंटाइये में आए बोले तो खतरनाक एक्सीडेंट हो जाते कहते। और ये डैशिंग कार्स नहीं होते, एक को एक टक्करा नहीं मार लेना, कोई तो भी सामने आ गया बोले तो रोक लेना, नहीं तो साइड में से चले आना भाई, कुछ भी खराब हुआ बोले तो अपने कुछ पैसे देना पड़ता। और ये बाजू बैठे सो वाले सीधा बैठना भाई, गर्दन टाइट रख लेके बैठना, कई को बोले तो टर्न्स वगैरह करते टाइम पे गर्दन लूज है, गर्दन लचक गई बोलते तो 2 दिन टेढ़ी गर्दन लेके बैठना पड़ता। ओवरऑल फुल मजा आई भाई, आप लोग भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में आओ, फुल टू एंजॉय कर सकते। और ये है बंजी जंपिंग, रॉकेट एजेक्शन और ट्रैम्पोलिन पे करने का है, ये अपने वेट के हिसाब से रोप्स डालते और सेफ्टी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते भाई, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देके ही जाते आपको उधर से। 200 रुपीज में 5 मिनट्स रहता ये, मेरा भाई पहले ही नाजुक है, चक्कर आ जैसा करा ये खत्म होते की, लेकिन बहुत मजा आती भाई, जिनको एडवेंचर्स वगैरह करना पसंद है वो तो एक बार ट्राई करने का ही छे। उसके बाद अपने स्टंटमैन मिस्टर फराज करे भाई, पूरे कुल्याटियां खा लेते हुए पूरे स्टंट्स कर लेते हुए, आज के वीडियो के हीरो तो फराज ही छे भाई, क्या जबरदस्त स्टंटा करे। नहीं आप लोगों को इनके स्टंटा अच्छे दिखे तो कमेंट में डालो आप लोगों को कैसे दिखे, और आप लोग भी इधर आके बंजी जंपिंग ट्राई करो भाई, बहुत मजा आती। और ये छोटे बच्चों का बोट राइड है, 150 इसका प्राइस है, वीकडेज में 15 मिनट्स और वीकेंड्स में 10 मिनट्स बिठाते भाई, बच्चे फुल टू एंजॉय करते इसमें। एंट्रेंस पे इस काउंटर है, इधर ही पैसे पे करके अंदर जाके जो भी गेम्स खेलना है खेल ले सकते भाई। इसके अंदर ही ऊपर बॉलिंग और स्नूकर्स भी है भाई, वो भी देखेंगे अपन कैसा है क्या है। स्नूकर के 2 टेबल्स है इधर, 250 हाफ एन आवर का है, पूरा ग्रुप के साथ में आए तो फुल टू एंजॉय करके जा सकते भाई, 3-4 घंटे कैसा हो जाते समझ में भी नहीं आता। और ये प्लेस बहुत क्लासी भी है, इधर का एम्बियंस इंटीरियर्स मेरे को बहुत जबरदस्त दिखा भाई। और इधर गेम्स खेलते खेलते रेस्ट करने के लिए रेस्टोरेंट के टाइप में टेबल्स वगैरह भी है, इधर के पिल्लोज मेरे को बहुत जबरदस्त दिखे भाई, अच्छा रिलैक्स हो सकते। ये ऊपर के रेस्टोरेंट का मेनू मैं फूड कोर्ट के वीडियो में डालती, इधर के फूड कोर्ट का मैं सेपरेट वीडियो बनाती, सो स्टे ट्यून्ड। इधर के वॉल पेंटिंग्स तो मेरे को बहुत पसंद आए भाई, और अंदर तो पूरे साइंस के फॉर्मुलेज है और आइंस्टाइन का फोटो लगा के तो और खतरनाक कर दिया। इधर बोलिंग के लिए वेटिंग एरिया भी बहुत बड़ा है और 4 ट्रैक बोलिंग है इधर। इधर के बोलिंग के चार्जेस भी 250 रुपीज पर हेड है भाई, और वीकेंड्स पे फुल रश रहता। इधर के जितने भी गेम्स है उतने पूरे मैं बता दी भाई आप लोगों को, आप लोग भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में आओ, वीकेंड्स पे आओ, वीकडेज में आओ, फुल टू एंजॉय करके जा सकते। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।